बढ़ा दे कि हमारे बागेश्वर बाबा उससे भी बड़े बन गए हैं, इतना पब्लिक सिटी मिला है बागेश्वर धाम महाराज के। हाँ देखिए, उनसे मिलने के लिए हम तो सिर्फ मिथिला से ही आए हैं, पर कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, बंगाल से, नेपाल से, झारखंड से मिलने आए हैं, तो बहुत से लोगों को नहीं मिला है, पर कोई बात नहीं, भगवान आप हमेशा घर में नहीं रहते, जैसे हम लोग अयोध्या जी साल में 3 बार जाते हैं, पर भगवान मिलते नहीं है, हम हाजिरी लगाने गए ना तो उनको पता चल जाता है कि भक्त आया था, तो आप लोग आए तो बाबा को पता चल गया कि हमारे भक्त आया है। मिथिला से मट्टी लगा कर आए हैं? हाँ वही से, क्योंकि मिथिला का मट्टी हमारा चंदन होते हैं, यहाँ के मट्टी को चंदन कहते हैं, यहाँ मट्टी के जैसा कोई मट्टी नहीं है, तो यस हमें इसे चंदन समझ के लगाए हैं, हमें चंदन समझ के लगाए हैं, यस हमें गर्मी भी नहीं लगता है, और हम नहाते हैं तो धोते हैं तो घोड़े घोड़े हो जाते हैं, कहते ना एक हेमा मालिनी को पूछे कि उसका खूबसूरती का राज क्या है, खूबसूरती का राज यही है यह मुल्तानी मिट्टी, यस मुल्तानी मिट्टी को हमने आपसे हाँ। देखिए बाबा से तो हम पहले भक्त लोगों को आगे बढ़ा देते कि हमारा भक्त मिले, बहुत दुखी है हमारे बिहार में भक्त, आने वाले समय में वो सुखी रहे, हम तो फ्री है, तो अभी हम जाएंगे बागेश्वर धाम, वहाँ हनुमान जी को 15 दिन खुश करेंगे, बहुत अच्छे नाच दिखाते हैं तो हनुमान जी को नाच दिखाएंगे, और हम मेहनत करेंगे तो बाबा हमें स्वयं अपने आप बुला लेंगे। मिथिला से कैसे आया चलकर? नहीं, हमारी सरकार अभी हमारा अपना सनातन का सरकार है, बाबा जी का सरकार है, तो हमारे लिए ट्रेन फ्री है, हमें टिकट नहीं मांगता, इसलिए हम ट्रेन चल रहे हैं। ट्रेन से आए? चले भी जाए। अच्छा ये डमरू उमरू ले हुए हैं, थोड़ा बजाइए बोले जय श्री राम। भारत में बहुत जल्दी रामराज आने वाले हैं, देख रहे हैं ना कि रामराज आने वाले हैं, अगले साल से राम जी का ये खुल जाएगा और सबके घर घर में सनातन धर्म हो जाएगा, देख रहे हैं, जिसके बाप जिसके पिताजी अगर नॉनवेज नहीं खाते पर उसका बेटे कहाँ कहाँ से आके नॉनवेज खाके घर का सभी जनता बिगड़ जाता है, घर भी सुखी नहीं हो पाता है, अगर हमारे बच्चे हमारे साथ रहेंगे तब ना हमारा गुण बुद्धि सीखेंगे, पर वो तो कहीं छोड़ के चले जाते परदेश, क्या खा के आते, क्या सीख के आते, हमारे देवी देवता नाराज हो जाते, घर को दुखी कर देता है, तो ये राम राज आएगा, घर में कभी मांसाहारी सेवन नहीं होगा, कभी प्याज लहसुन नहीं खाइएगा, कभी आपका बच्चे कभी आपको परेशान नहीं करेगा। बिहार के सरकार तेज प्रताप यादव विरोध कर रहे थे बाबा को लेकर। हाँ देखिए, उनको तो बताया ना आपको, जैसे कि नीतीश कुमार उनमें गया और उनको ऐसे लग रहा था कि हम ही अपना बिहार बाबा के विरोध करना चाहिए था। नहीं, बाबा को विरोध करके उसको बहुत बड़ा पछतावा आया है, बहुत बड़े, आज देखिए सारे के सारे माँ जो हमारे पटना के, जो हमारे बिहार के जनता है, वो हमारे बागेश्वर बाबा के हो गए और उनको पीछे छोड़ दिए, जहाँ है बैठे लोग। कहाँ जाइएगा? जैसे कि देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आने के समय में वो राजनीति का बात करेगा, राजनीति का बात करेगा, पर याद रखिएगा हमारे भारत को भी कल तक सनातन धर्म सनातन ही चलाया है, संत नहीं चलाया है, और आज भी संतों के लिए 3 को काम सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, भगवान सेवा, माँ बाप सेवा और समाज सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। ये हमने जैसे कि कहते हैं ना, हे दाता मुझे कुछ नहीं आता, बुद्धि दे दो, ज्ञान दे दो, भक्ति का भंडार दे दो, ये ब्रांड में देखिए कितने पब्लिक लोग खुश हुए, फोटो क्लिक कर ले गए हैं, तो ये हम बागेश्वर बाबा को भी ये ब्रांड दिखाएंगे और इनको हम कहेंगे कि हमारे माता की रानी को भी आप सम्मान दो और हमें भी सम्मान दो, क्योंकि हम आप मिट्टी के ही बने हुए, एक दिन मिट्टी में ही चले जाएं। अच्छा मिट्टी के बना हुआ मिट्टी में मिल जाए, मिट्टी में मिल जाए। बच्चे सर पर त्रिशूल लिए हुए हैं, चलो महाराज खुश रहिए, शास्त्री से उनसे मिले और आपका क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, यही बड़ा।